ये मोर देखो, मोर 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 मोर। और एक पहलो काम तो यहाँ पर एक जना कोटे मैं लैपटॉप बटे मैंने रस्तो कहीं नहीं ठाए, मतलब 10 किलोमीटर बटे पड़ी है, रैम बटू ले नहीं है, मगर मारी बोल कर घूमी ना आप सूरज कुंड बट और तो आगे और भाई साहब रास्ता मैं समझा ये वाला रास्ता है, मगर रास्ता इधर गाड़ी पार्क की इधर से आए और इधर से छलांग मार के इधर से सीधा सीधा है, और मैं पागल की तरह इतना चढ़ के ऊपर गया। वाह कुमावत वाह, ये देखो इधर निशाना भी दिया हुआ है यहाँ से एरो। अरे अभी यहाँ से नीचे नीचे सीधा सीधा, अब कुमावत तू बराबर जा रहा है। अरे वो आंटी लोग को मैं पूछा, आंटी बोल रही है तेरे को तो मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ, मगर मैंने ईयरफोन लगाए थे इसके लिए आवाज़ सुनाई नहीं दिया मुझे। अरे चलो ठीक है, कोई नहीं, मेरी गलती थी, आई एक्सेप्ट माई गलती एंड नाउ चलो आगे बढ़ते रहो। आई थिंक मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। महादेव मुझे पहुंचा दे अपने यहाँ पे, मुझे गलत रास्ते पे मत डाल, बस हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैं अभी सही रास्ते जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर साइन दिया हुआ है सूरज कुंड, मैं वो साइन के हिसाब से जा रहा हूँ। अरे हालत तो ख़राब हो गई है, मगर जाना ज़रूरी है क्योंकि अभी इतना दूर गाड़ी चला के आया, फिर अभी गाड़ी बोलेगा सोचेगा कि नहीं जाना है, गाड़ी चालू करके फिर से उतना किलोमीटर दूर जाओ, मतलब नहीं कोई, इससे अच्छा दर्शन करके ही जाओ। महादेव जी ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। अभी एक और साइन आया ऊपर जाने के लिए, ये देखो ऊपर। बट ऊपर कैसे जाए, आगे से रहेगा। भाई साहब अब मैं क्या बोलूं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा मैं किधर हूँ। तो सूरज कुंड ढूंढने निकला था मगर मुझे मिला नहीं, अभी मैं रिटर्न जा रहा हूँ फिर से, सॉरी महादेव जी अभी मेरे को कुछ मिला नहीं, इसके लिए मैं अभी क्या करूँ। किधर तो बैठा हुआ है देखो, ये जगह पे बैठा हूँ मैं, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा मैं किधर हूँ। अभी ललिया को फ़ोन किया मैं, बोलता अरे सूरज कुंड के इधर तो नेटवर्क भी नहीं आता है, तो मतलब और अंदर है सूरज कुंड, अभी अकेला जाऊँगा तो फंस जाऊँगा, फिर क्या मालूम कभी बाहर निकलूँगा, इससे अच्छा यू टर्न मार के जाता हूँ घर पे, खाली फोकट का हो गया टाइम पास। शे अरे यार अभी मैंने बाइक कहाँ पे खड़ी की है मेरे को वो भी नहीं मालूम, खड़ी की है मालूम है किधर, मगर कैसे जाऊँ वो नहीं मालूम पड़ रहा अभी मेरे को, कैसे जाऊँ वहाँ पे, जो रास्ते से आया था अभी वही रास्ते से जाता हूँ, बाइक मिल जाए भगवान, हर हर महादेव। बस सूरज कुंड जाना हुआ फेल, क्या बोलूँ अभी, मन में इतना ऐसा लग रहा है ना कि क्या यार इतना दूर गाड़ी चला के आया, बट चलो कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अभी अपन निकलते, ये रास्ते से आया था मैं, वही रास्ते से अभी पीछे 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 चले जाता हूँ। चलो रोड पे तो आ गया कैसे कैसे करके, ऐसे तैसे करके, बट अभी गाड़ी वो साइड खड़ी की है कि ये साइड खड़ी की है, अभी मेरे को बहुत कन्फ्यूजन है यार, बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। सूरज कुंड हुआ फेल, मगर यार मेरे मन में है कल परसों फिर से आऊँ, वो ललिया को लेके आऊँ क्योंकि ललिया को सब मालूम है कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, वो तो कल का कल देखा जाएगा, बट मेरे को अभी चाहिए मेरी बाइक जो कि अब नहीं मिल रही है। ओके गूगल मैप में देख के जाता हूँ। चलो लो भाई आ गया मैं जहाँ पे था वहाँ पे वो खड़ी है मेरी गाड़ी। एक्चुअली क्या हुआ, मैं ऐसा सीधा गया, सीधा वो पहाड़ चढ़ा, वो पहाड़ उतरा
वो पहाड़ से बाद में वैसे 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 होके वहाँ से ऐसा फिर से इधर आ गया। मेरे को रास्ता ही नहीं समझा, बल्कि वहाँ पे पत्थरों पे लिखा था कि आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, बट एक एक साइन ऐसा था ना ऊपर की साइड था, तो वो साइन मैंने नहीं समझा ना, मुँह ऊपर ऊपर जाती रहो तो वाह। तो अभी देखा नसीब में वे ही तो महादेव जी बोले गाड़ी पासा, नम नसीब में नहीं वे ही तो पासा अगली टाइम जन टाइम अगली टाइम बम्बई रू आवा वन टाइम जावा सूरज कुंड, नहीं तो अनि हुमार ने देखा अनि हुमार ने साला नहीं तो देखा कई वे। अबे अबे मैंने भूख गनी लागी रही, सुबह रो कैस नहीं खा दो सिर्फ सान टोस खा दो, तो आगे जो भी मिली देखा खावा कहीं। चलो देखो भाई ये ऐसा रोड वो गयो वो पूरा ऊपर खाबड़ इतना मोटा मोटा भाटा ऊपर है, नीचे देखो इतना मोटा मोटा भाटा ऊपर है, अतरो तकलीफ में गयो अतरो स्ट्रगल करीन गयो, मगर मारो काम नहीं वे पाए मतलब नहीं वे पाए मतलब आज रो का आज वो वेनो ही नहीं वो जनावते नहीं वियो। अबे 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 दुखी वेन कहीं कर सका आपा कहीं नहीं, अबे चुपचाप साला रोड पे कहीं कोई भूख लागी रही है अने पापा कह रहा शार पूजा जी रे मंदिर धोख लागी ना जाए, अबे देखी रू शार पूजा मंदिर कतरो बटे जटे रो को नहीं बटे देखो शार पूजा जी रू मंदिर कतरो सेटी है। वाह भाई साहब मैं सुबह से कुछ खाया नहीं था तो आप आटे वड़ा पाव खाई रहा तो आटू ही दो ही दो कतरा कि शार पूजा मंदिर कतरा किलोमीटर है टू 20 किलोमीटर मतलब आज गाड़ी दौड़ेगी हो 100+ वो प्लस ऊपर दौड़ी गई गाड़ी मैंने अटे गरमा गरम वड़ा पाव मुँह खाई रू सुबह कहीं नहीं खा दो मना मिनिस दे दो पाव फाड़ी नहीं पाव में फाड़ी तो चलो आप देखा आप अटारो वड़ा पाव की करे पाव ने पहला वो आप कही किया सैंडविच टोस्ट सैंडविच के साथ है वैसा पाव को पहले टोस्ट किए फिर वड़ा डालेंगे फिर अपने को वड़ा पाव मिले। अभी मेरा बैटरी कम है इसके लिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने मैप भी बंद कर चुका हूँ, अभी ब्लॉग भी मैं डायरेक्ट चार पूजा मंदिर जाके देखूँगा करूँगा तो करूँगा नहीं तो नहीं। वड़ा पाव भी हो गया है तो अभी अपन निकलते हैं और मेरे पास बैटरी भी बहुत कम है क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर सकता मतलब कितनी परसेंट बैटरी बची रहेगी, मैंने जब वड़ा पाव खाने आ रहा था तभी 15% बैटरी थी और अभी मतलब 1-2% और गिर गई है, तो अभी मैं मैप भी चालू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट 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 है, जब टर्न जैसा मेरे को अगर डाउट हुआ कि भाई लेफ्ट जाना है या तो वो टाइम पे मैं मैप चालू करके कर दूंगा। ये झील बहुत प्यारी दिख रही थी इसके लिए गाड़ी रुकाया और वो यही रिकॉर्ड करने के लिए गाड़ी रुकाया मैंने बस, और मेरे को सिर्फ मैप में देखने का था और कितना किलोमीटर है और ये बस 14 किलोमीटर बाकी है 25 मिनट बता ही रहा है, तो मैं फटाफट गाड़ी चलाऊ मैं 14 किलोमीटर कंप्लीट करूँ नहीं तो शार हो जाए पूजा वे वाली है शार पूजा जी रे पापा की हो तो जनाव आते तो आप चला ठीक है। वो झील एक और दान देख लो बहुत प्यारो नजर आई रो एकदम क्लियर वाटर बहुत साफ पानी है बहुत साफ पानी एक कचरा नहीं दिख रहा मेरे को पूरे झील में। चलो चलो लेट रही रो लो भाई साहब आप तो आई गया शार पूजा जी मंदिर हटे तो मंदिर हटने हैं सब जना आ ही रहा है अभी हटनो जानो है यहाँ पर है नहीं भाई ने गूगल मैप मतलब जो बोले है नहीं वो अगर बाने ऐसा गूगल मैप तो अशी रेप्टो मेलो उन्हें 10 किलोमीटर सेटी लेगी फंसे कहीं यू टर्न मारिन पासो आओ अभी पूछतो मुँह हटे आयो यहाँ पर। चलो सब सही है चक्कू को यहाँ पर है चार पूजा दर्शन कर ला वैसे मुँह आप बोलो हमारी बैटरी भी है 2% तो आप 2% में कई बात करूँ मैंने कहीं ठानी पड़ी थी जना बात है ऐसा बट है भीड़ भाड़ देख लो यार अरे कोई चार्जर वालों मिल जा नहीं मैंने तो 10% भी 10-15% भी चार्ज कर लूँ नहीं तो बहुत वेगी मारा बात है। ओ मंदिर मंदिर में दर्शन कर ला पहला उसे आप और बात करूँ चल चार पूजा नाथ की जय। Yeah.
तो भाई साहब आप दर्शन भी हो गई गया चार गुजारे यहाँ पर। भाई साहब आप नाम कही है? हाँ रोहित भाई साहब, थैंक यू सो मच, मारा फोन चार्ज करा रहा वहाँ थे। आप रो भाई साहब? भरत भाई आप तो मोटा भाई? हाँ यूट्यूब तो बम्बई रहो प्रॉपर बॉम्बे रहो, मारा गांव भाणा लवाणा है कांकरोली रा आगे। भाणा लवाणा रहो? हां भाणा लवाणा मारो दोस्त है रमेश कुमावत। रमेश कुमावत रोशन कुमावत कोनो छोटो भाई रोशन कुमावत? रमेश मा लारी बनिया। अच्छा लारी बनिया कई वो मारो भाई लागे। तो देखो अबे सार पूजा जी रे आया आपा सब बेला मिल गया। चलो भाई साहब थैंक यू सो मच। चलो भाई अपना दर्शन भी अच्छा हो गया और अभी क्या करना है अपने को, कुछ बोलना था वो मैं बाइक पे जाके बोलता हूँ। देखो जो होना होता है वो तो होएगा और जो नहीं होना होता है वो तो नहीं होगा, और यहाँ पर आना था तो वो हो गया और जहाँ पर जाना था वो नहीं हुआ। तो हम किसी को भी कोस नहीं सकते, वो ऊपर वाला कराता है सब। प्लान ए और बी लेन आया हुआ हंडे। प्लान ए वो कि कुमलगढ़ जावा रहो जो कि नहीं भी हो। प्लान बी वो कि सूरज पोल नहीं सूरज कुंड जावा रहो वो जो भी नहीं भी हो, मगर गियो वो मतलब भटक तो कटे ही जाती रही हो मुंह सूरज कुंड रहे पास हो अटल रिटर्न आई गयो। वैसे पापा क्यों वो शार पूछा सी रहे जा रहे दर्शन करी ना आज। तो मतलब प्लान सी वे गयो, देखिए प्लान ए नहीं भी हो, प्लान बी नहीं भी हो, प्लान सी वे गयो। जो वेनो है वो वे, जो नहीं वेनो वही वो तो नहीं वे। अब कही था काले आप बम्बई साला नहीं साला वो मने भी नहीं था। अब घर साला आप डायरेक्ट मुंह मोलो आपने घर जो कि आप रवाते तो एक सेकेंड रो है सिर्फ। लो जी अपन तो आ गए अपने घर पर। तो प्लान ए प्लान बी प्लान सी तो आपको मैंने पहला ही बोला था कि मेरा प्लान ए पहला तो था कि कुंभलगढ़ जाऊं, कुंभलगढ़ के बारे में हिस्ट्री बताऊं, मगर यूट्यूब पे बहुत सारे जन ने कुंभलगढ़ के बारे में वीडियो बनाया ही है। तो मेरा जो पहला काम था वो हार्ड डिस्क दे के 8GB रैम लेना था, वो तो ले चुका हूँ मैं। तो उसके बाद ही मेरा प्लान बी बना कि सूरज कुंड जाते। अभी सूरज कुंड कैसा है ना कि एक जगह बाइक पार्क करके वो 4-5 किलोमीटर चल के जाना रहता है वहाँ पर अंदर जंगल के बीचों बीच। तो मेरे को तो रास्ता पता नहीं था, मैं सोचा कि भाई चल ठीक है क्या इतना थोड़ी डिफिकल्ट रहेगा। तो बाद में मैं बाइक पार्क किया अंदर जंगल के अंदर गया और जंगल में घूम गया ना इसे मेरा तो दिमाग खराब हो गया। अभी मैं जाऊँ से जाऊँ किधर? तो मैंने ना कहाँ से निकला क्या मालूम, महादेव जी की कृपा है, बाद में कौन से दूसरे साइड से निकला। बाद में वो आंटी एक जो आंटी मेरे को मिली थी ना पहले, आंटी बोली थी कि तेरे को तो मैं चिल्ला के बोल रही थी वहाँ से नहीं जाना है वहाँ से नहीं जाना है, मगर मेरे कान में क्या हेडफोन लगे थे इसके लिए मेरे को सुनाई नहीं दिया। तो वो आंटी बाद में बोल रही थी ऐसा है ऐसा है ऐसा है। मैं बोला अभी नेक्स्ट टाइम आऊँगा वो लल्लिया है ना जो लल्लिया के साथ आऊँगा तो लल्लिया मेरे को प्रॉपर सूरज कुंड लेके जाएगा। तो बाद में प्लान बी भी नहीं बना, बाद में प्लान सी पापा ऐसे मतलब ऐसे ही फ़ोन किए कि अगर सूरज कुंड जा ही रहा है तो नज़दीक में चार पूजा मंदिर भी है तो वहाँ के दर्शन भी करके आ। तो बाद में मैं सूरज कुंड से निकला 20 किलोमीटर तक चलते चलते अचानक मैंने किसको पूछा कि नाथवारा का रास्ता कहाँ पे, क्या मालूम अचानक मेरे माइंड में आया कि चलो चार पूजा मंदिर के भी दर्शन करते हुए जाते। तो वहां से निकल के बाद में वहां से कुछ क्या 32 कि 31 किलोमीटर कुछ बता रहा था चार पूजा मंदिर। तो वो मैं निकला वहां से चार पूजा मंदिर के लिए निकल चुका। बाद में बीच में दो वड़ा पाव खाए आपने जैसे कि देखा। मेरी बैटरी बहुत मतलब मैं कंटिन्यूसली जब यहाँ से घर से निकला है ना कंटिन्यूसली मेरा मैप चालू था। कंटिन्यूसली मैप चालू होने के कारण मेरा लास्ट में चार पूजा मंदिर जैसे ही पहुंचा 2% बैटरी बची मेरी। फिर एक दुकान वाले को पूछा मैंने कि आपके पास चार्जर है क्या आईफोन का, बोलता नहीं चार्जर नहीं है। मैं बोला वो देखो ना लगा हुआ है, बोलता अच्छा चार्जिंग करना है क्या, तो ऐसा बोलो ना, मेरे को लगा नया चार्जर चाहिए। मैं बोला नहीं नहीं नया चार्जर नहीं चाहिए, आप मेरा चार्जिंग लगा दो तब तक मैं अंदर जाके दर्शन करके आ जाता हूँ। मैंने अपना मोबाइल वो चार्जिंग लगा दिया और अंदर दर्शन करने लग गया। तो आधा घंटे तक दर्शन किया बाद में फिर से बाहर आके मोबाइल लिया तो मालूम पड़ा कि वो जो उनके बड़े भाई थे वो हमारे लवाणा में एक रमेश कुमावत करके है वो उनके क्लासमेट ही है। देखा अभी मतलब क्या मालूम मेरा मोबाइल भी वापस चार्ज करना था जहाँ पे वो इसका दोस्त था या फिर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो प्लान ए भी काम नहीं आया, प्लान बी भी काम नहीं आया। प्लान ए इसलिए काम नहीं आया क्योंकि कुंभलगढ़ के तो बहुत सारे ने वीडियो बनाए रहेंगे, वो कुंभलगढ़ है जो महाराणा प्रताप जी हमारे उनका जन्म स्थान है और जो वॉल है कुंभलगढ़ का वॉल जो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस इन द वर्ल्ड में बोल रहा हूँ वर्ल्ड, वो जो दीवाले है वो 38 किलोमीटर लॉन्ग दीवाल है जो कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आते हैं। जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं ना तो ये कुंभलगढ़ के जो वॉल है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है बस। तो मेरे को वही मैं सोचा कि यार कुंभलगढ़ जाके व्लॉग बनाना मतलब अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारी वीडियोस देखे रहेंगे आपने यूट्यूब पर, तो इसलिए मैंने नहीं गया। बाद में ए प्लान ए कैंसिल हुआ, प्लान बी भी
घूम फिरा के कैंसिल हुआ, बाद में प्लान सी अच्छे से सक्सेसफुल हो गया। और अभी मैं ललिया को फोन करूंगा कि अभी 2-3 दिन में तू फ्री हो और मेरे को सूरज कुंड लेके चल, क्योंकि मेरे को सूरज कुंड जाना है। और सूरज कुंड क्यों जाना है, सूरज कुंड में महादेव जी का मंदिर है जो कि मैंने आज तक नहीं गया हूँ। राजस्थान का होते हुए भी मैं सूरज कुंड नहीं गया हूँ। मुझे एक जन ने बोला भी था, आप अगर घूमना है तो महादेव जी का सूरज कुंड जरूर जाना, क्योंकि सूरज कुंड एक बहुत ही प्यारी जगह है जहाँ पर जाके अपना मन शांत हो जाता है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है। बस तो मैं अभी बहुत बोल चुका हूँ अभी ये टाइम के लिए। तो अभी चलो खत्म करते ये व्लॉग, लेकर प्रभु का नाम, जय श्री राम।